इंडियन टीवी शोज लाखों करोड़ों की पसंद। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि इनकी कहानियां महिलाओं के गिर्द घूमती हैं, लेकिन इनका नैरेटिव आज भी महिला को दुर्बल और असहाय दिखाता है। एक बेचारी बहू जो परेशान है, या एक लड़की जो पढ़ने की कोशिश कर रही है, एक बच्ची जिसका बाल विवाह हो गया है। Somehow India still wants to see women submissive on real or in real life. समाज को वो दिखाया जा रहा है जो समाज देखना चाहता है आज भी। Why is it that when a man is upset, his emotions are validated, but when a woman is upset, she's told that this is incorrect behavior and she needs to change herself? Why this double standard needs to change? और Z5 पे चुड़ैल्स बिल्कुल यही कर रहा है। I have watched this show. आपको भी देखना चाहिए। When the society sees women on TV submissive, ill-treated, fragile, they kind of relate them to their own lives. They feel, oh, she's going through the same thing, it's not just me. Bapre, main akeli nahi hu, uske saath bhi yahi ho raha hai. So they kind of think it's normal and they kind of think they should accept it because shayad sabke saath yahi hota hai. पर ये ना नॉर्मल है ना एक्सेप्ट करने वाली बात है। इसीलिए Z5 में एक सीरीज आ रही है चुड़ैल्स, विच इज़ एड्रेसिंग दिस इशू ऑफ अन्याय अगेंस्ट महिलाएं। इट्स अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द वुमेन ऑफ आवर सोसाइटी, मस्ट वॉच चुड़ैल्स ऑन Z5। Hi guys, so I'm going to talk about this show I watched lately on Z5. It's called Chudel. Yeah, very interesting title and so is the series. मैं जब promo देखा था तो मैं इतनी interested थी पूरी series देखने के लिए और ये show worth the watch है, I must say. मुझे बहुत मजा आया, characters बहुत बहुत real है, story बहुत real है. आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ हुआ है या हमारी फ्रेंड के साथ या हमारी कजिन के साथ हुआ है. तो इतनी रियलिस्टिक स्टोरी है. मुझे बहुत कम टाइम मिलता है तारा के साथ, बहुत बिजी रहती हूँ, तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ढंग का देख लूँ. तो जब मैंने ये शो देखा तो मुझे बहुत बहुत मजा आया देखने में. इट्स अबाउट वुमेन हु स्टैंड अप फॉर एवरीथिंग अनलाइक मेन. दिस शो इज नॉट ओनली फॉर वुमेन बट फॉर मेन ऑल्सो. इट्स एन आई ओपनर. चुड़ैल Z5, इट्स स्ट्रीमिंग लाइव. बट वाई, आई एम सॉरी, आई एम नॉट डूइंग इट. मैं क्यों चेंज करूं यार, वाई शुड आई एडजस्ट? आई एम नॉट डूइंग इट, सॉरी, वेरी सॉरी. हाय, ओके, माशा थे, इनसे बात कर रही हूँ, काम की बात कर रही थी. सो बेसिकली ही वॉन्ट्स कि मैं एडजस्ट करूँ. मैडम, हीरो से कम पे चेक की बात हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए, छोटी वैनिटी वैन की बात हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए. आई जस्ट डोंट गेट इट, व्हाई? जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन, मैं एक औरत हूँ, इसलिए मैं एडजस्ट करूँ हर बार? और इनके हिसाब से तो हमारे DNA में है कि पेट्रियार्की के सामने झुकूँ. आई जस्ट डोंट गेट इट, आई एम नॉट लाइक दैट, सॉरी. यू नो व्हाई? क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ. यस, यू हर्ड इट राइट. कल जब मैंने एक शो देखा Z5 पे कॉल्ड चुड़ैल, ऑसम शो गाइज, यू नो, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत ही एंटरटेनिंग शो है. एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ऐसा शो देखा एंड आई एंडेड अप बिंज वॉचिंग द शो. इट्स अबाउट दीज पोर वुमेन जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, किसी के सामने झुकती नहीं है, किसी से डरती नहीं है. इनफैक्ट यू नो, विद देयर धाकड़ एटीट्यूड वो पूरी सोसाइटी को बाय फिलिशिया बोलकर अपने राइट्स के लिए फाइट करती हैं, विच इज वेरी वेरी नाइस. इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ मी. दैट्स हाउ आई एम एज अ वुमन, फियर्स, स्ट्रांग. दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, बट दे आर हियर टू लेवल द फील्ड्स एंड फाइट फॉर द जस्टिस ऑफ एवरी वुमन. So all you women out there, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि when the world asks you to stay grounded, fly higher. So what are you waiting for? Put your चुड़ैल mode on, क्योंकि fight अभी बाकी है.